शेयर कर रही हूँ स्ट्रिक्स का अल्ट्रा हाइलाइटिंग कलर जो मैंने घर पे अपने बालों में ट्राई किया है और ये वाइब्रेंट रेड है और इसमें स्टेप वन और टू दिया हुआ है। जो स्टेप वन है वो डेवलपर और ब्लॉन्ड है जो पहले स्टेप में यूज करूँगी। और इसके साथ मुझे दो ब्रश एक ग्लव्स मिला हुआ है और कंडीशनर का दो पाउच है और ये आपको ऑनलाइन और लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। ये देखिए ये कंडीशनर है दो पाउच और इसके साथ ग्लव्स है। और आपको जितने बालों में आपको कलर करना हो एक अगर ज़्यादा बालों में करना है तो एक पैकेट से नहीं होगा, दो पैकेट यूज करना पड़ेगा। और मैं हल्के नीचे से थोड़े थोड़े बालों में करूँगी ये कलर। तो पहले मैंने डेवलपर और ब्लॉन्ड लिया है जो पहला स्टेप है और फॉइल पेपर भी लेना है। एक बॉल में ये ब्लॉन्ड निकाल रही हूँ और डेवलपर निकाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और आप अपने बालों को नीचे से अगर करना है जैसे मैंने किया है तो ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करके और मैंने रबर लगा लिया था नीचे, इसको अच्छे से मिक्स करना है और ब्रश से लगाना है आपको। ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रही हूँ, इसको मिक्स करना है इस वाली ब्रश से। यह स्टेप वन है, इससे हमारे जो ओरिजिनल बाल के कलर होते हैं ना उससे हल्का करेगा ये और हल्का मतलब ब्राउन हो जाएगा बिल्कुल। और मैंने नीचे दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है बालों को और नीचे मैं लगा रही हूँ और उसको मतलब नीचे से मैं हल्का ले रही हूँ और दोनों में बराबर रबर लगाया है मैंने। और साथ में आपको फॉयल पेपर लेना है, फॉयल पेपर पे आप बाल को सपोर्ट कर लीजिए और अच्छे से आप ब्रश के सहायता से लगा सकते हैं, नहीं तो आप ग्लव्स डाल के आप अपने हाथों से बहुत ही इजी से लग जाता है। मैं हाथों से ही लगा रही हूँ और अच्छे से बिल्कुल ही नीचे जितने बालों में आपको हाईलाइट करना है उतने बालों में ये ब्लॉन्ड लगाना है, डेवलपर और ब्लॉन्ड, ताकि आपके वो जितने भी हेयर है वो आपके लाइट कलर के हो जाए ताकि उस पर जो हम सेकेंड स्टेप करेंगे तो अच्छे से कलर चढ़ के आएगा। ये दोबारा उसको पलट देना है बालों में और अच्छे से दोनों साइड से लगाना है, पूरे बालों में अच्छे से लग जाना चाहिए। या आपको ऊपर से अगर हाईलाइट करना है तो कहीं कहीं तो आप उतने ही बालों को जितने बालों को हाईलाइट करना है उसी पर ये लगाना है पहला स्टेप। और इसको अच्छे से मैंने बालों में लगा लिया है और अब इसके फॉयल पेपर में ही इसको फोल्ड कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए लगा के रखना है। अब अच्छे से इसको कवर कर दीजिए फॉयल पेपर पे रख के ही बालों को और फिर अच्छे से कवर करके और पिन लगा दीजिए। और आधे घंटे के बाद हम बाल को वॉश करेंगे, शैम्पू से वॉश करना है और तब तक वॉश करना है जब तक ये कलर अच्छे से धूल न जाए, इसमें से निकल न जाए। दोनों तरफ मैंने बालों को डिवाइड किया था तो दोनों में ही लगा रही हूँ और मैं हाथों से ही लगा रही हूँ ताकि आसानी से जल्दी जल्दी लग जाए। आपको अगर इजी हो तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। और इसको पूरे 30 मिनट के लिए लगा के रखना है। अगर आपके बाल हैवी है और लॉन्ग है तो आप दो पैकेट यूज करिए तभी अच्छे से हो जाएगा। ये मैंने दोनों तरफ ये लगा लिया है ब्लॉन्ड और ये पहला स्टेप मेरा हो चुका है और इसे मैं 30 मिनट के बाद इसे वॉश करूँगी। इसे पिन से आप सिक्योर कर लीजिए ताकि ये खुले ना। और फॉयल पेपर मैंने इसलिए लगाया ताकि हीट होके जल्दी से ये मतलब कलर इसका उतर जाएगा और फॉयल पेपर लगा के ही करेंगे तो अच्छा सा मतलब कलर सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया और ये ब्राउन कलर का हो गया है, इसका जो ओरिजिनल ब्लैक कलर था वो अलग हो गया है। अब मैं सेकेंड स्टेप कर रही हूँ जिसमें है कलरेंट और डेवलपर, दोनों को एक उस बॉल में मिक्स करना है अच्छे से। पहले मैंने डेवलपर लिया है, अब मैं कलरेंट ले रही हूँ। ये देखिए रेड कलर का है, जेल जैसा है बिल्कुल ही,
इसे अच्छे से ब्रश से मिक्स करिए। आपको दूसरा ब्रश जो मिला हुआ है साथ में, आप उससे मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, और जिन बालों को मैंने हाईलाइट किया था उसमें अब ये कलर लगाना है, और अच्छे से बिल्कुल अप्लाई करना है बालों में। आप ये ब्रश से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और जितने भी बालों को मैंने कलर, मतलब हमने कलर उतारा था, उसी बालों पे अप्लाई करना है इसको, और इसे भी 30 मिनट के लिए रखना है। और आपके बाल में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, बाल आपको वॉश करना है पहले शैम्पू से, उसके बाद ड्राई होने देना है, फिर कलर लगाना है। और जितने बार भी आपने ये डेवलपर जो पहला स्टेप किया है उसमें भी ड्राई बालों पे किया है मैंने, शैम्पू से वॉश होना चाहिए, और सेकेंड स्टेप भी ड्राई बालों पे किया है, गीले बालों पे बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे से अप्लाई करना है बालों पे। आप चाहे तो बालों में जहाँ भी करना है वहाँ पहला स्टेप और सेकेंड स्टेप यूज करना है। अच्छे से बालों में अप्लाई करना है, और फिर मैं फॉइल पेपर से इसे फोल्ड कर दूंगी, और आधे घंटे 30 मिनट के लिए रखना है। आप चाहे तो हाथों से भी लगा सकते हैं, ग्लव्स डालना ज़रूरी है, ग्लव्स डाल सकते हैं। अगर आपको इसकी स्माइल ज़्यादा तेज़ लगे, तो मुझे तो बहुत तेज़ लग रहा था, तो मास्क भी आप पहन सकते हैं। ये देखिए मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है, अब दूसरे पार्ट में भी मैं लगाऊंगी। अच्छे से पूरे बालों में लगा के अब इसे फॉइल पेपर को सिक्योर करना है पिन से, और 30 मिनट के बाद मैंने वॉश कर लिया था, शैम्पू से वॉश करना है, और फिर जो कंडीशनर मिला था उसे अप्लाई करना है इस पर। ये देखिए, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।